गंगा दशहरा की कथा। एक बार महाराजा सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमन ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। ये यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामत अंशुमन ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजने शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महिष कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराजा सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर जोर जोर चिल्लाने लगी। महिष कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महिष ने अपने आज्ञा नेत्र से अपने त्रिनेत्र को खोला, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वो गंगा के भार को संभाल पाएगी या नहीं? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में ही है। इसीलिए उचित ये होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लेना चाहिए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट कर जटाओं में बांध लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल पाया। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तपस्या शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इसी प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकलाती हुई मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्ण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराजा भगीरथ की कष्टमयी साधना की कथा है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत वर्ष में गंगा की इतनी महानता है और विदेशों में भी गंगा की महिमा गाई जाती है।